नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का। तो मॉर्निंग न्यूज में आज देश दुनिया की तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण खबर है कि आज बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं। तो चलिए इस वक्त की 10 बड़ी और खास खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नोएडा सेक्टर 21A स्थित क्रिकेट स्टेडियम में डीपीएस इंदिरापुरम के वार्षिक खेल दिवस जोश 2024 का आयोजन 17 नवंबर यानी आज किया जाएगा, जिसमें 4,500 से अधिक छात्र भाग लेंगे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज यानी 17 नवंबर को शीतकाल के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं, जो अब ग्रीष्मकाल के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी हरियाणा द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं आज हरियाणा योग्यता परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि है। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आज ट्रैफिक कांस्टेबल परीक्षा 2024 आयोजित होगी। वहीं ये परीक्षा OMR पर आधारित होगी। जबलपुर में आयोजित विज्ञान मेले का आज अंतिम तिथि है। विज्ञान मेले के दौरान किसानों और युवाओं को विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर रोजगार कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दी गई है। आज रायपुर में सहायक शिक्षकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की मुख्य मांग वेतन विसंगति को लेकर चर्चा की जाएगी। फेडरेशन पदाधिकारी अजय गुप्ता, सिराज बख्श, ईश्वर चंद्राकर और राजू टंडन ने बताया कि सहायक शिक्षकों की मांगों को मोदी की गारंटी में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मोदी की गारंटी को पूरा करने को लेकर किसी भी तरह की पहल नहीं की गई है, लिहाजा अब सहायक शिक्षक मोदी की गारंटी की मांग के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री निवास पर प्रकाश पर्व का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को आमंत्रित किया गया है। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर का इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है। वहीं ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। आज रायपुर में भगवान शांतिनाथ मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं इस मंदिर को दिगंबर जैन समाज की ओर से अशोका रतन शंकर नगर रायपुर में बनवाया गया। रायगढ़ जिले के पुटकापुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल एवं पहल सेवा समिति कोड़ा तराई के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर सुबह 9:30 से दोपहर 2 तक चलेगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1999 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति दी। साल 2004 में आज के दिन रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। साल 2006 में आज के दिन अमेरिकी सीनेट ने भारत अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी थी। साल 2015 में आज के दिन अशोक सिंघल का निधन हुआ था, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। साल 2020 में आज के दिन मोहन जी प्रसाद का निधन हुआ था, जो कि हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक थे। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।